लक बिगड़ बैठा है। वैगन भेजने से साफ इनकार करता है। अब आप ही चलो तो बात बने। मगर मैं तो यहाँ से हिल नहीं सकती। वो देखो ना सामने इंस्पेक्टर सतीश, मेरे यहाँ न रहने से उसे शक होगा। 5 मिनट के बाद हमारा दूसरा नृत्य शुरू होगा। जरा ठहरो, मैं भी आया। मोहिनी, मुझे जाना है एक जरूरी काम के लिए, मैं ज्यादा नहीं ठहर सकता। अच्छा, तुम्हारी खुशी। चलो अफसर, अब मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तुम लोगों का काम एक जंजाल है जंजाल। कुछ लो तो मुसीबत, न लो तो मुसीबत। अच्छा, इन वैगनों में तुम्हारा माल भरा है, अब इन्हें मैं इसी गाड़ी से रवाना किए देता हूँ। मैं खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर सतीश हूँ। हमें खबर मिली है कि बंदूकों कुछ पार्सल गैर इलाके में भेजने की गरज से यहाँ आए हैं। तुम्हें कुछ पता है उनका? नहीं, ऐसे कोई पार्सल यहाँ नहीं है। हैं, जरूर है। तो खुद ही देख लीजिए, आपके सामने सारा यार्ड खुला पड़ा है। सभी तुम्हारी तरह रिश्वत खाने वाले नहीं होते। अपने पास ही रखो ये बीमारी। ये लो, इंस्पेक्टर साहब भी आ गए। जनाब, ये क्लर्क नोटों का गट्ठा दराज से निकाल कर अपनी जेब में डालने को था अभी। सच सच बताओ, ये रुपए तुमने किससे लिए? एक औरत से। औरत से? उसने किस बात के लिए रिश्वत दी तुम्हें? पापा, पापा, पार्सल गाड़ी के साथ 2 वैगन रवाना करने के लिए। वो पार्सल गाड़ी इस वक्त कहाँ है? उस गाड़ी को यहाँ से गए कोई 5 मिनट हुए, मगर वो गाड़ी दादर स्टेशन के यार्ड में आठ घंटा ठहरेगी। इसे हिरासत में रखो, इससे चोरों का कुछ पता ना चलेगा। हमीद खान, न जाने हमारी बदनसीबी कब तक हमारा पीछा करेगी। मेरे ख्याल में तो तुम निहायत खुशनसीब हो कि चोरी के माल से भरपूर 2 वैगन तुम्हारे हाथ लग गई। इस कामयाबी पर मुबारक। हमीद खान, ये कामयाबी नाकामी से भी बुरी है। मजा तो जब था कि बंदूक चुराने वाले दुश्मन हमारे हाथ लगते। इस नाकामी पर इस तरफ हमारे अफसर नाराज होंगे, उस तरफ हमारे दुश्मन हमारी हंसी उड़ाएंगे कि एक औरत हमसे बाजी मार ले गई। हमीद खान, क्या औरतें ऐसी चालाक, मक्कार और धोखेबाज हो सकती हैं? तुम्हें तो बहुत वास्ता पड़ा होगा औरतों से। नहीं सतीश, मुझे तो अभी तक एक ही औरत से वास्ता पड़ा है, और वो मेरी बीवी है। मगर वो इतनी अच्छी औरत है कि इस वक्त 2 बज जाने पर भी भूखी प्यासी मेरी राह देखती होगी। अच्छा हमीद खान, इस जगह माथा फोड़ने से कोई फायदा नहीं। अब तुम इन पार्सलों और वैगनों पर पहरा बिठाकर घर जाओ। मैं सुबह को दफ्तर में मिलूंगा तुमसे। ठहरो, मैं पहुंचा दूं। किधर जाओगे? जिधर पांव ले जाए उधर।